वो प्यो का राज थोड़ो आ भी गड्डिया लंघ जाएगियाँ सानू ये कोई फर्क नहीं पता चला ना चला हूँ यह तो है नहीं भी जरा कुछ यही कही जाएंगे असं लागू कर लाँगे पर यह दूरी नीति चलता दोनों मोढ़े से रख के चला जो कोई करना सेंटर वालों दबका मार दे साढ़े घर मूँह कर लगता साढ़े वाला पासा देखता उदो कहता सेंटर ऐ करता है। ये बार बार मीटिंगा हो सकदियां एक मीटिंग दे विच मतलब एड्डी वड्डी एजिटेशन का हल नहीं होने वाला। असीं कहना चाहुंदे आं वी असीं तीन गल्लां सरकारां दीआं मन्नियां इह सरकार दी मां दा राज तां है नहीं। किसानों का संघर्ष खेती कानूनों खिलाफ लगातार जारी है। उत्थे पंजाब भाजपा के नेतावां दे वल्लों केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह नाल बैठक तो बाद किसान जथेबंदियों के नाल 13 नवंबर नूं मीटिंग की गल भी सामने आई है जिस दे बारे भारतीय किसान यूनियन डकौंदा दे सूबा प्रधान बूटा सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार नाल मीटिंग होने के संबंध में हाले तक उन्होंने कोई लिखती रूप दे विच सद्दा पत्र नहीं आया। उन्होंने कहा कि वह गलबात करन नूं तैयार ने पर उन्होंने मीटिंग तो पहला यह क्लीयर किया जाए कि मीटिंग का मुख एजेंडा की होगा तो मीटिंग केड़े मंत्री शामिल होंगे। इस ही मुसाफिर रेल गड्डिया के बारे गलबात करद उन्होंने कहा कि काफ़ी समय तो यह मुसाफिर गड्डिया बंद ने ते जेकर केंद्र सरकार किसानों के नाल गलबात का माहौल वधिया बना चाहती है तो उन्होंने बिना किसी शर्त के माल गड्डिया पंजाब के चालू कर देनिया चाहिए ने। देखो अजे ऑफिशियल तौर पर सानू कोई सदा पत्र नहीं आया। असी मंग करी सी कि 30 जथेबंदियों मतलब बकायदा लैटर लिख के आए तो नाल एजेंडा भी लिखा होवे नाल किहड़े मंत्री गल करनगे ये भी उहदे विच शामिल होवे। जवानी कलामी आ गया अखबारों आ गया चैनलों पर आ गया डिबेट भी हुई है रात साडी गरेवाल दे नाल पर अजे कहिंदे सी आ सकदा कल तक। देखो जदों शाम तक उड़ीक करदे आ सी जे शाम नूं आ जांदा तां कल नूं सानूं 12 तरीक नूं मीटिंग बुलाउणी पैणी है 30 जथेबंदियों की। मीटिंग दे विच बैठ के असी बुलारे तय करने हैं गलबात तय करना है कि गल करनी है कितने तक करनी है ये सारा कुछ वो जुड़िया हुआ सद्दा पत्र ना अगर सद्दा पत्र शाम तक नहीं आता फिर मुश्किल होगा फिर ये दिवाली तो बाद जा सकती है। पहला भी असं ये मंग करी कि मीटिंग में दिवाली तो बाद लिजाया जाए पर कहते पहला करवानी चाहते हैं नाल असी मंग ही करी सी कि गलबात का जोड़ा माहौल है सिखावा बनाने लिए माल गड्डियां चला दित्तियां जाण कोई दिक्कत नहीं है सारा रेलवे ट्रैक खाली है एवें अड़ी वाले रवैया है ही कि माल गड्डियां कल्लियां चलदियां नहीं है मुसाफिर गड्डियां नाल चलनगियां। करोना टाइम देखो जिन्ना चिर करोना वाला जोर रहा इत्थे माल गड्डियां कल्लियां चलियां उदों कहड़ा मुसाफिर गड्डियां चलियां मार्च दियां बंद आ मुसाफिर गड्डियां ये बहानेबाजी करके एवें डिक्का जिहा लाया जा रहा। देखो मीटिंग तो चलती एजिटेशन दौरान होनी चाहिए है इन्होंने लेट की है समय तो मीटिंग जरूरी नहीं जिड्डा वड्डा मुद्दा है कि एक मीटिंग दे विच इहदा हल हो जाए। असी बुझना चाहेंगे केंद्र सरकार कितने जे खड़ती है केंद्र सरकार सानू बुझना चाहूगी कि कितने जे खड़ते हैं। ये बार बार मीटिंगा हो सकदियां एक मीटिंग दे विच मतलब एड्डी वड्डी एजिटेशन का हल नहीं होने वाला। देखो शर्तां तो नहीं असी रखियां ये जरूर गल रखते हैं कि रेलवे लाइनां जिहड़ियां माल गड्डियां चलाईयां जाण ते गाहां जित्थों तक जवानी आया भी गृह मंत्री है खेतीबाड़ी मंत्री है पीयूष गोयल है भी उन्होंने तिना ना मीटिंग होगी गाह अगर तिना ना होंगी कि होंगी तो देखो जो तो लिखती आऊगा उदो कहा जा सकता भी कि हो रही है मीटिंग दे विच आउंदे आ जां नहीं आउंदे ये समय ही दसेगा इस गल। इस बरनाला रेलवे स्टेशन से पक्का मोर्चा लगाई बैठे किसानों ने केंद्र सरकार वालों माल गड्डिया ना चलाने अड़ियल रवैया दसिया ते नाल ही केंद्र सरकार से शब्दी वार भी किए। प्यो का राज थोड़ो आ भी गड्डिया लंघ जाएगी ये साड़ी सूबा कमेटी का साड़ी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ भी 20 तरीक थाई माल गड्डिया लंघ किसानों की समस्या को देखद हो जो भी DAP या होर जरूरी बात त्यौहारों के दिन कोई जरूरी बात होने या साड़ी फौज वास्ते और असी माल गड्डिया छड़िया पैसेंजर गद्दी असी 20 तरीक जमा ही नहीं लंघन देवे जिन्ना चर साडा सूबा कमेटी का साड़ी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं आता सानू ये कोई फर्क नहीं पता चला ना चला जो कलगी वाले रुड़े जाते काले धन तो असी की करवाना है साडा सारा कुछ ही रुड़ा साड़ी जमीन जाती है एक साल ना हो तो भी कोई गल नहीं सारा कुछ हैगा साढ़े को खाने नूं सब कुछ हैगा जे कुछ ना हो तो भी कोई एड्डी नहीं गल असी तो वधिया मनावांगे जिवें परपुर ते मनाई सी दीपमाला करांगे जलेबियां भी हो सकदा असीं पकाइए बनावांगे विचार चिट्टी दिवाली मनावांगे काली दिवाली मनाउण नूं तां मनाईए सी जे सानूं कुछ ना होवे असीं तां इहनां नूं दसणा चाहुंदे आ भी साडे कोल सारा कुछ हैगा उह दसांगे भी असीं जिहड़ा 13 तरीक दा सद्दा है वो जे
कानून रद्द कर दिया तो गल करांगे, जे नहीं करते साड़ी दो टुक गल आ भी असी कानून रद्द करवाउणा, कानून रद्द करवाउण खातर लड़ाई लड़दे हाँ, होर साड़ी कोई मंग ही नहीं बिना कानून रद्द करवाउण तो, साडा तां इक मेन मकसद कानून रद्द करना। असी कहना चाहते हैं भी असी तीन गल्लां सरकारां दीआं मन्नियां, ये सरकार की मां का राज तो है ही नहीं, असी रेल दीआं लाइनां खाली करियां, प्लेटफार्म खाली करे, असी थले पार्कां च बैठ गए, वह तो किसी गल ते पूरे ही नहीं उतर रहे, गल्लां कर रहे हैं ना, उन्होंने कोई ट्रेन चलाई आ ना माल आया, किहड़ा हुण माल उन्होंने पूरा करता भी वो आपदी गल ते रहण, किसानां ने आपदीआं गल्लां ते पूरे उतरे है, राजनीतिक सेंटर ते स्टेट ये किसानां नाल धोखा कर रहा, पंजाब नाल विदकरा कर रहा कि क्योंकि ना लॉकडाउन वेले कोई नंगी ना उदों लोड़ पई, 3-3 हज़ार किलोमीटर तुर के साडे बच्चे लेडीज गए रास्ते ड्रिवलियां हुई, उदों सरकार नूं दुख नहीं होया, हुण तां पैसेंजर नूं कोई गल ही नहीं, हुण तां रोड चल रहे आ, सारी ट्रैफिक चल रही है, हुण एडी कोई तकलीफ नहीं, ये सिर्फ किसानां दा बर्दाश्त दा मादा देखना चाहुंदे आ, अड़ियल रवैया पंजाब वास्ते इहनां दा। असी सवारी वाली ट्रेन चलनी नहीं देनी ते आपदी माल गड्डियां उह भेजण, हाँ जे उहनां दा अड़ियल रवैया ये बिल्कुल नहीं होना भी वो इतों भी इदों बाद तार मिंडो करना चाहुंदे आ साडे संघर्ष नूं, साडा संघर्ष अगे नूं वध रिहा, बीज बिजाई साडी होगी, फसल साडी तुल गई आ, हुण असी इधरे बालां, इस तों बाद साडा 26 वास्ते दिल्ली नूं कूच है, साडा नौजवान यूथ ते सारा दुकानदार साडे नाल आ, जे घाटा उहनां नूं दिसदा है, उन्हां नूं देश नहीं दिसदा, साडा नौजवान नहीं दिसदा, साडा पंजाब नहीं दिसदा, जिहड़ा घाटा पै रहा जे इक्को ही गल उहनां नूं दिसदी है, वह व्यापारी है जां वह पुजारी है जां वह अधिकारी है, उही चीज़ां सोच सकदे है, वह मनुखा जीवन वास्ते साडी एजुकेशन बारे नहीं सोचते, पहले उहनां नूं ठेकियां दा घाटा दिसदा सी, हुण उहनां नूं रेलवे का घाटा दिसदा है, साडी एजुकेशन कितें खुली है, स्कूल खुले है, इस वास्ते क्यों नहीं देखते, वह आपदे फायदे की गल ही क्यों नहीं देखते, वो राजधर्म पूरा करन, इहो जिहियां चाल आ ना चलन जी। असी इन्हें देखते हैं भी पहला उन्होंने दिल्ली सदे वो आप पंजाब च आ गए प्रचार करने वास्ते, जे नीत नीति उन्हों की साफ है, बैठ के गल करनी चाहिंदी है, टेबल ते बैठे बिना तो कोई हल नहीं, जे वो दिलों साफ है तो वह लिखती रूप दे विच गल करन, वह किते प्लेन नाल किते ज्ञानी नूं बुला लैंदे आ, किते उत्थे गरेवाल तो कुछ कुहा दिंदे आ, पहलां गल ये देखण भी उन्हां दी नीति साफ है, किसान यूनियन दा तीहां दा फैसला है भी ये कानून रद्द करन, ते फिर ही साडा फैसला उत्थे बैठण दा फायदा है, वह राजनीतिक ना करन, वह आपदा प्लेटफॉर्म जां ग्राउंड ना भालण, BJP दे पैरां थल्लों जमीन निकली हुई है उहनूं भाल रहे आ। असी धरनियां ते बनावांगे, प्लेटफार्मां ते बैठे हैं, मॉलां ते बैठे हैं, टूल प्लाजां ते बैठे हैं, साडा भाईचारा कट्ठा है, सब तो दिवाली उसे दी है जिहड़े कट्ठे ने, साडे परिवार जदों स्टेशनां ते बैठे ने, पार्कां दे विच मॉलां ते बैठे है, टूल प्लाजां ते बैठे है, साडी इत्थे ही सुनहरी दिवाली होऊ, काली उह मनाउण जिहड़ी जनता नूं धोखा दे रहे आ। जो मुसाफर गड्डियां उह तां बंद कीतियां होईयां ने, जो सरकार ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਲਿਆਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 50-31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਸਭ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਧ ਦੱਧ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜੋ ਖਨਿਕ ਕੋਲਾ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਖਾਦ ਲਾ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ,
जो लॉकडाउन के बच्चे तीन महीने मतलब ब्लॉक रहा उदो घाटे किधर गए थे उदो कोई घाटा नहीं पिया है। देखो गल यह है भी असी जिन्या पहला इन्हें पहला रिक्वेस्ट करी भी जोड़ा माल गड्डिया किसान का नुकसान हो जू व्यापार मंडल की दिक्कत आऊ असी मान लिया पर यह दूरी नीति चलता है दोनों मोढ़े रख के चला जो कोई गल सेंटर वालों दबका मार दे साढ़े घर मूँह कर लगता तो साढ़े वाला पासा देखता उदो कहता सेंटर ऐ करता है असी ये कोई हजा साड़ी कमेंटमेंट नहीं पर असी आपके तौर पर देख लिया भी ये साढ़े व्यापार साढ़े किसानों का साडा पूरे त्यौहारों के दिन है उन्होंने देख के असी वो गल मान ली सी पर असी पैसेंजर गड्डिया का हक च अजे तक साड़ा कोई फैसला ही नहीं है ना असी ये साढ़े सिगड़े तक कोई खरीदे हुए हैं साढ़े ना कोई कमेंटमेंट ही नहीं जो कहता भी दिल्ली सरकार इस गल जिम्मेदार है फिर साढ़े ना कोई राबता ही नहीं है। वो तो देखो पहला तो उन्होंने कहा भी तुम रेलवे ट्रैक खाली करो असी रेल लाइन खत्म करती उपर आ गए उपरों फिर उन्होंने इस गल की मतलब लोगों से गल लेना चाहते जथेबंदियों के गल पानी चाहते थे असी हूँ तह तो स्टेशन भी खाली कर ले हूँ यह तो है नहीं भी जोड़ा कुछ यही कही जाएंगे असं लागू कर लाँगे फिर ऐ तो हूँ इन्होंने भी दसो भी इन्होंने भी कोई सेंटर ने कोई यही जी पॉलिसी लिया कोई लोगों के गल साडे तक कोई लिया हो असं कोई फैसला करते हैं अभी कानून वापस लेना सारा कुछ ऐसा भी अभी दो कदम पिछे हटे जाइए उन्होंने वालों भी कोई फैसला अभी कद भी नहीं करा पैसेंजर गड्डिया बंद है बंद रहनगियाँ सूबा टीम का जी 13 तरीक का इन्होंने मीटिंग सदी है वो जो ढाई टुक लड़ाई है भी जहाँ कानून खत्म करो होर तो गल ही नहीं कोई समझ समझ रोड़ता गल ही नहीं है असं बिल्कुल मानते हैं पर बड़ी सब तो संकट यह है भी जेड़ा मंडीकरण है जिस मंडी के अंदर आ साडे लोगों का जीवन निर्भर हुंदा है वो साडी मंडी उखड़ रही है साडा मतलब जिथे लोगों की जान माल का ही बड़ा खतरा बनया हुआ असी इस निक्के मोटे घाटा तो सानू पता ही नहीं किड्डे के पै गए पहला एक घाटा पैंदा किनू आ रिलायंस नू पै रहा बड़े बड़े अदारों नू पै रहा दूजे लोगों ने इस गल ते निर्भर होना सिख लिया करोना च इन्होंने सिखाता भी असी किवें सारे सिस्टम तो बिना रह सकते हैं असी अज मन लिया बिल्कुल असी एक घाटे घूटे सब झल लाँगे जिथे अगे इन मारा पै गई पर असी अभी जिंदगी देख अज आपके जाऊँदे जी असं गल चफाह नहीं पावे असी आपदे इस लड़ाई में जदोजा रखा ये भी राजनाथ ने सदी है क्योंकि इन्हों के जतानी अर्गे जोड़े इन्हों बीजेपी के बड़े लीडर है पंजाब दे हरियाणे के है उन्होंने हूँ वो आप कह लग गए मीडिया चाहे भी देखो जी असं कह रहे हैं असं गल कर रहे हैं हूँ राजनाथ ने बुलाया उस मंत्रियों की कोई शमूलीयत है साड़ी तो एको ही गल है भी जे तो फैसले वापस लेना है फिर तो आवेंगे जे तुम सूँ समझावो सानू दसो उस गलते बिल्कुल नहीं असं करा साड़ी तो एको ही गल है भी इन्होंने कहता भी असं फैसला लवेंगे असं उस गल कबूल करा कल्ला किसान नहीं हुण टोटल वर्ग आ किरती वर्गा जिन्ना है अज देखो सद खुद सानू आड़तीए मार्केट के बाबू छोटे तो छोटा छोटा व्यापारी दुकानदार वो कह रहा कहिंदा जी तुसीं जमा फिकर ना करो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा जिन्ना चिर लम्मा घोल चलदा चलाओ रेल दिया वह तो कहिंदा तुसीं रेल दिया लैणा भी नहीं छड्डणियां लोगों ने इस गल का मन बना लिया भी सब तो वड्डी आफता च मोदी के कानून ने होर सारा कुछ हाथी की पैड़ च आ जाना लोग तो अज भी जड़िया स्टेटा च अजय अनाज नहीं है अजय लोगों मतलब ढिड भरमी रोटी नहीं मिलती गुजारा तो उन्होंने हो रहा सानू इस गल की कोई टेंशन नहीं सारे लोग इस गल के मूड च है भी असं दिवाली जिन्हें त्यौहार है दशहरा देखो लोगों ने दूजे लोट रंगला टीवी ले बरनाला तो प्रवीण ऋषि की रिपोर्ट।